हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। स्टार्ट करेंगे हम लोग टीचिंग ऑफ पोएट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पोएट्री मस्ट प्राइमरली बी टॉट फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक। पोएट्री का आंसर सीधा म्यूजिक पे जाता है। पोएट्री में म्यूजिक इंजॉय किया जाता है। पोएट्री के जो वर्ड्स होते हैं, राइम्स होते हैं, उनकी जो एक लय होती है, उसमें जो शब्द होते हैं, जैसे सॉन्ग सुनते हैं ना, उस वे में समझ लो। पोएट्री मीन्स सॉन्ग। अगर आप पोएट्री को सॉन्ग के साथ कनेक्ट करोगे, आपका कुछ भी आंसर गलत नहीं होगा पोएट्री की टीचिंग का, ठीक है। तो पोएट्री मस्ट बी प्राइमरीली बी टॉट फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के लिए इसको प्राइमरीली सिखाया जाता है। पोएट्री इंक्रीज अ चाइल्ड्स सेंसिटिविटी टू ब्यूटी। हम लोग म्यूजिक को कैसे इंजॉय करते हैं, है ना, उसकी सेंसिटिवनेस, उस साउंड को, उनके शब्दों को इंजॉय करते हैं, ठीक है। ना कि उसमें अगर कोई शब्द आया तो उसका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढने पहुंच गया, उसको फिर पढ़ने लग गए, नहीं, इंजॉय करते हैं ना। तो वही है सेंसिटिविटीनेस को ये हमारे बढ़ावा देता है। पोएम्स शुड बी रीड विथ रिदम एंड इंटोनेशन। पोएम्स नॉर्मली प्रोज क्या है, एक पढ़ा जाता है जैसे कि नॉर्मली, पर पोएम को गाया जाता है, ये ध्यान रखना, रिदम और इंटोनेशन के साथ, ठीक है, सुर के साथ। विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पोएट्री से रिलेटेड, उसमें हमें नॉट पे लगाना है कि कौन सा सही नहीं है। तो उसके लिए हम सही वाले पढ़ेंगे और नहीं वालों को फिर मैं हटाती जाऊँगी। तो सही है वो भी ज़रूर पढ़ लेंगे कि पोएट्री क्या होती है, इनेबल करती है स्टूडेंट्स को टू डेवलप देयर इमेजिनेशन एंड थाट, कि बच्चे अपना इमेजिनेशन और थॉट को डेवलप करें, उस पोएट्री के कंटेंट को समझें, म्यूजिक को फील करें। इमेजिनेशन, पोएट अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, वो चांद, तारे, सूरज, सब पर कविता लिख देते हैं ना। तो वही है कि इमेजिनेशन डेवलप की जाती है पोएट्री में। पोएट्री इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द म्यूजिक ऑफ राइम एंड रिदम। ये भी सही है, राइम रिदम को समझे, अप्रिशिएट करे स्टूडेंट्स, ये भी सही है। पर ये सही नहीं है कि पोएट्री अपील मोर टू द आइज टू द ईयर, कि केवल आंखों को ही अपील करती है, ना कि सुनने पर। पोएट्री या म्यूजिक दोनों, विजुअल ऑडियल दोनों ही होते हैं, सुनते भी हैं हम, देखते भी हैं, उसमें इमेजिन करते हैं ऐसे। व्हेन द टीचर गिव्स द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पोएम, तो इसमें से गलत कौन सा है, इसमें ये वाला रॉन्ग है। द स्टूडेंट शुड ओपन देयर बुक्स। जब पहली बार टीचर पोएम को इंट्रोड्यूस कर रहा है बच्चों के सामने, तो बच्चे एक बार अपनी बुक बंद ही रखें और टीचर को ध्यान से सुने, ठीक है। द टीचर शुड लिसन टू द टीचर केयरफुली स्टूडेंट्स, सॉरी। तो ये दोनों सही हैं, ओपन देयर बुक वाला रॉन्ग है, ये रॉन्ग वाले निकालना है हमें इन सब में से। तो वाइल टीचिंग अ पोएम द टीचर शुड वॉट, क्या इसमें से गलत है, तो टीच द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ाना है, अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन देना है पोएम का, और इस तरह से इंट्रोडक्शन देना है कि अराउस, यानी कि इच्छा बढ़े, बच्चों के इंटरेस्ट बढ़े, पीपल्स का, शिष्य, पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स ही होता है। क्रिएट द प्रॉपर एटमोसफियर फॉर द पोएम, एक अच्छा सा एटमोसफियर क्रिएट करो बच्चों से, उससे रिलेटेड प्रायर क्वेश्चन पूछकर, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। अगेन इसमें से कौन सा सही नहीं है देख लेंगे कि पोएट्री क्या डेवलप करती है। तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर तो बिल्कुल नहीं करती है पोएट्री। पोएट्री में ग्रामर वगैरह कुछ मतलब नहीं है, पोएट्री को सिर्फ फील करो, इन्जॉय करो, दैट्स इट। तो ये रॉन्ग है। बाकी सही है कि द इमोशनल, इमेजिनेटिव, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक एंड इंट्यूटिव साइड्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इमेजिनेशन, कल्पना करना, बुद्धि का विकास भी होता है समझ के। एस्थेटिक मतलब उसकी सौंदर्यता का फील करना, इंट्यूटिव यानी कि अंतर्मन से समझना, ये सब पर्सनैलिटी में ये पार्ट्स डेवलप होते हैं पोएट्री के थ्रू। इमोशनल एक्सप्रेशन एंड एस्थेटिक परसेप्शन भी बच्चों का, स्टूडेंट्स का डेवलप होता है, ग्रामर नहीं। विच वन इज़ नॉट द एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, इनमें से टीचिंग पोएट्री का एम या उद्देश्य नहीं है। तो ये उद्देश्य नहीं है टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की नॉलेज पोएट्री से इम्प्रूव करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। पोएट्री सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए रखा गया है, वो अनजाने में बच्चा सीखता है वो अलग बात है, पर मेन उसको म्यूजिक, सॉन्ग फील करना, इंजॉय करना, ये पर्पस होता है, ठीक है। और ये देखिए ये वाला सही है कि एम क्या होता है पोएट्री का, टू ऐड हिज जॉय एंड इंक्रीज हिज पावर ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कि वो ब्यूटी अप्रिसिएट करे, ब्यूटी को, उन शब्दों को, उसमें जो अच्छे अच्छे पोएट्री लिखी गई उसको इंक्रीज, उनको अप्रिशिएट करे। टू गिव हिम अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम एनी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, उनमें ये सेंस आए कि जो भी एक्टिविटी है उसमें वो सेटिस्फैक्शन फील करें। तो ये वाले एम्स होते हैं। अगेन इन टीचिंग पोएट्री क्या नहीं है इसमें, द टीचर शुड रीड द पोएम अलाउड, ये सही है। द टीचर शुड रीड द पोएम ट्वाइस और थ्राइस, दो या तीन बार पढ़े। द टीचर शुड नॉट टॉक अननेसेसरीली अबाउट द पोएट, ये भी सही है कि ज़्यादा पोएट के बारे में नहीं पोएम। और ये जो बोल रहे हैं ये वाला गलत है, हमें इनकरेक्ट निकालना है। तो द टीचर शुड नॉट रीड द पोएम, ये गलत है, टीचर को तो पढ़नी ही चाहिए। अब हमें इनमें से निकालना है
कि कौन सा सही नहीं है इन चारों में से, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, द टीचर शुड नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, कि टीचर बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ ही ना करे, नहीं ये गलत है। और बाकी ये सारे सही हैं कि द टीचर शुड आस्क क्वेश्चन ऑन द फिगर्स ऑफ स्पीच अल्यूजन ब्यूटीज ऑफ द पोएम, कि बच्चे को टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ब्यूटी क्या है उस पोएम की। द टीचर शुड इनिशिएट डिस्कशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ द पोएम, इफेक्ट क्या पड़ा पोएम का स्टूडेंट्स पर। एंड द टीचर शुड मेक कंपैरिजन विद अदर सिमिलर पोएम्स, ऐसे भी टीचर कर सकते हैं। फॉर सक्सेसफुल टीचिंग ऑफ पोइट्री, क्या इसमें से क्या गलत है, तो टीच ईच पोएम ओनली वंस, ये वाला गलत है कि पोएम को सिर्फ एक ही बार पढ़ाओ, नहीं ये आप कई बार पढ़ा सकते हैं। तो टीच ईच पोएम ट्वाइस, गिव द स्टूडेंट टाइम टू फॉर्म देयर ओन इम्प्रेशन, उनको खुद का इम्प्रेशन भी बना सके उनको ये होना चाहिए। इनवाइट देम टू क्रिटिसाइज द पोएम, उनको बोलो कि इस पोएम को क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज का मतलब होता है गुण और दोष दोनों बताना, केवल बुराई निकालना नहीं होता है, ओके। एंड आस्क देम टू लर्न बाय हार्ट द पोएम्स ऑफ देयर क्या है ये लाइक्स है ना, तो उनसे कहो कि वो पोएम को लर्न करें, ठीक है, उसकी फीलिंग के साथ, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि केवल एक बार पढ़ा के उसको रहने दिया, इसका आंसर ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, अगेन ये जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है लेकिन हमें उनके करेक्ट वाले भी पढ़ लेने हैं जो करेक्ट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, कि द इन टीचिंग पोएट्री द मेन एम इज़ टू एनलार्ज द वोकैबुलरी एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो टीचिंग की पोएट्री टीचिंग में कहीं भी वोकैबुलरी या स्ट्रक्चर ग्रामर के सेंटेंस नहीं पढ़ाए जाते, ये वाला तो ऑब्वियसली सही नहीं है, ये गलत है। जो नॉट करेक्ट यानी कि सही नहीं है, सही नहीं मतलब कि ये गलत है, ऐसे तो सही कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। पोएट्री इंस्पायर द हार्ट एंड पीपल, इंस्पायर करती है लोगों को। द स्टडी ऑफ पोएट्री अफोर्ड्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, इन टीचिंग पोएट्री द मेन एम इज़ टू इंजॉय द म्यूजिक रिदम राइम ऑफ द वर्स, तो इनको इंजॉय करना होता है, सीखना होता है म्यूजिक रिदम राइम, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एस्थेटिक, ये सब साइड स्टूडेंट्स के डेवलप होते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें जितने भी मैंने अभी पढ़ाए हैं ना, तो जो सही है वो वाले सही से पढ़ लीजिएगा, नहीं वाले तो क्लियर हो ही जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ टीचिंग ऑफ पोएट्री, इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। देखिए ऑप्शन डी, ये नहीं होता है अप्लाई कि पोएम को मेमोराइज कर लो, केवल याद करके रिसाइट कर लो, नहीं, हमको उसको रीड करना है उसके चार्म ऑफ साउंड के साथ। द टीचर शुड गार्ड अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लेनिंग टू मच लेस द पोएम लॉसेस ब्यूटी, कि टीचर को जो टेंडेंसी है उसकी, जो पोएम को एक्सप्लेन करते समय जो पोएम की जो नाजुकता है उसका जो मीनिंग है वो उसको भी गार्ड करके रखना चाहिए, कहीं वो पोएम की ब्यूटी ही ना खो दे, ऐसे। एंड इंडिविजुअल लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट सो दैट दे फील द ब्यूटी ऑफ द पोएम, हर स्टूडेंट्स उस पोएम को रीड करे अच्छे से रिदम और रिदम राइम के साथ, ये भी ज़रूरी है, पर मेमोराइज करके केवल गाना वो सही नहीं है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट द एडवांटेज ऑफ टीचिंग पोएट्री, इनमें से कौन सा बेस्ट स्टेट होता है कि बहुत अच्छी अवस्था या फिर पोएट्री टीचिंग के जो लाभ होते हैं, वो है क्रिएट द एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक सेंस को क्रिएट करना, ये इम्पोर्टेंट है, एस्थेटिक वही सौंदर्यता का बोध होना उस पोएट्री की, ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टीचिंग पोएट्री, देखिए वो उस जो पहले था ना इसके, वो थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो वो मैंने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा इन टीचिंग पोएट्री, सो ये आपका क्या नहीं है इसमें, देखिए बोल रहे हैं विच वन इज़ नॉट ट्रू, द टीचर शुड नॉट रीड द पोएम, टीचर को नहीं पढ़ना चाहिए जबकि टीचर को रीड करनी चाहिए, तो ये गलत है। विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, यानी कि विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही नहीं है, तो यानी कि कौन सा गलत है। द टीचिंग पोएट्री मेन एम इज़ टू एनलार्ज वोकैबुलरी एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये वाला आपका सही नहीं है स्टूडेंट्स, ओके।
एंड पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से भी गलत स्टेटमेंट्स हमें निकाल लेने हैं. तो देखिए, पोएट्री डज नॉट अपील टू द ईयर, ईयर के लिए नहीं होती है भाई, सुनने के लिए नहीं होती है, तो ये गलत है. सुनते तो हैं, उसको इन्जॉय करते हैं. फिर अ ट्रू पोएट डज नॉट एक्सपाउंड द एज, कि ट्रू पोएट जो है एक्सपाउंड नहीं करता है. एक्सपाउंड मीन्स एक्सप्लेन करना एजिस को, ऐसा नहीं है, वो करते हैं अच्छे से डिटेल से. ओके, और ये देखिए एक और, इनमें से कौन सा सही नहीं है. द टीचिंग ऑफ पोइट्री एट सेकेंडरी स्कूल लेवल हैज़ नो वैल्यू, कि सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाना, सेकेंडरी लेवल यानी 6 to 10 समथिंग, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है पोएम की, नहीं ऐसा, ये सब गलत है. तो देखिए, पोएट्री मेन हमारा हो जाता है रिदम पर, म्यूज़िक के बेस पर, राइम इंटोनेशन, जिसमें जो स्टूडेंट्स है ब्यूटी को फील करता है, पोएम्स के शब्दों को एंजॉय करता है. बिल्कुल इसमें आप समझ नहीं, उसमें कोई ग्रामर नहीं सिखाई जा रही, कोई मीनिंग नहीं समझाए जाते हैं, है ना, कंटेंट समझा जाता है इस तरह से कि उसको फील करे इंसान, उसके सिक्स सेंस डेवलप हो, सेंसिबिलिटी बटे बचे, सॉरी सेंस जो है उसके डेवलप हो ना, सेंसिबिलिटी जो है वो बने बढ़े. तो आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स स्टूडेंट्स. टीचिंग पोएट्री का ये लेसन इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं वालों को हटा के सही वाले ज़्यादा बार सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. खुश रहें, पॉजिटिव रहें. जय हिंद.